हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ नाचोस। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कप बेसन और एक कप मैदा। आप चाहे तो यहाँ पर चावल का आटा भी ले सकते हैं और साथ में मक्की का आटा भी ले सकते हैं, काफ़ी कुरकुरी बनती है उससे। और ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं चिली फ्लेक्स। साथ में ही मैंने लिए हैं ऑर्गेनो 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी, और साथ में स्वादानुसार नमक। और मैं इसमें डालूंगी टोमेटो सॉस 2 बड़े चम्मच के करीब, और साथ में ही सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच। और अब मैं इसे सिंपल पानी के साथ इसे गूंथ लूंगी। और जैसे गूंथ जाएगा इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रहने दूंगी। और फिर मैं लूंगी ये सांचा, जिससे हम सेमियां भी बनाते हैं। तो मैंने जो है माइनस वाली शेप का यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से कोई सा भी शेप ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी जो मैंने मटेरियल तैयार किया है, और साथ में ही मैंने तेल गर्म करने के लिए लगा दिया है। आप चाहे तो इसे बेक कर सकते हैं। तो बेकिंग के लिए जो रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, बाकी डिपेंड करेगा आपके ओवन पर। तो मैंने इसे सांचे में डाल दिया है और अब ये तैयार है इसकी शेप लेने के लिए। मैंने नीचे रखा है बेकिंग शीट, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर छुरी में आपका ये जो आटा चिपक रहा है, तो आप छुरी एक बाउल में पानी लेकर के छुरी को उसमें डिप कर सकते हैं। उसकी वजह से जो आटा छुरी में फंस रहा होता है, चिपक रहा होता है, वो नहीं होता है। और ये मैंने इसे डिफरेंट शेप में काट दिया है, आप अपने हिसाब से शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सेम वही प्रोसेस कर रही हूँ, क्योंकि आटा छुरी में चिपक रहा था तो मैंने इसको पानी में डिप करके और मैं इसकी कटिंग करती जा रही हूँ। या फिर दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इसको सिंपली बेल करके आप इसकी कटिंग कर सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि थोड़ा ये पतला बने। तो मैंने इसे स्क्वायर टाइप की शेप दी है, तो उसके लिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और अब मैं इसे, जो तेल गर्म हो चुका था उसमें मैं तल रही हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि आप भी कर सकते हैं। तो ये जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपके नाचोस बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। और आप इसे कभी भी किसी भी समय बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, काफ़ी यम्मी बने हैं ये। और आप इसे चाहें तो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।